सो गुड मॉर्निंग morning everyone. आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यू पी एस सो आज का जो सेशन है आज के सेशन के अंदर जो एक important टॉपिक है एक्सप्लनर सीरीज के अंदर जो आपका पब्लिश हुआ है दिस इज़ रिलेटेड with चीता चीता से रिलेटेड है इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इस पर एक्सप्लनर सीरीज़ में काफ़ी डिटेल में दिया भी हुआ है तो यहाँ पर आज के जो टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिया की जो Arctic पॉलिसी है वो जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ है uh, तो इस पर और भी बहुत से आर्टिकल्स आएंगे, तो ये डिस्कस करेंगे एन्वायरमेंट और आई दोनों के अंदर ये टॉपिक आपका फ्रेम हो सकता है साइक्लोन आसानी क्या है इसके बारे में इसका नेम आसानी क्यों रखा गया है और भी कई आस्पेक्ट है तो जोग्रफ़ी का टॉपिक ये हो जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इसमें एन्वायरमेंट जोग्राफी दोनों चीज़ें आपकी आ जाती है एफॉरेस्टेशन ये भी आपका जोग्रफी एनवायरमेंट के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं इसमें अगर इवन इफ़ यू आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स एफॉरेस्टेशन तो क्या चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल यहाँ पे इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी ये दोनों टॉपिक्स जो है आपका इसमें फ्रेम हो सकता है तो और आखिरी में एक प्रेलिम्स का जो क्वेश्चन है दैट ऑल्सो आई विल गिव तो उसको आप कर सकते हैं सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाई मी माइनेवि सौरभ पांडे आप आई एस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अकेडमी में uh, आप उनसे जुड़ सकते हैं आपका करंट अफेयर्स प्रेलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए कोर्स है दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी सो यू कैन यूज़ द कोड एस पी एल आई वी ई और इस कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्वेश्चन देख लो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाउ ड्रग प्राइजिंग मैकेनिज्म वर्क सो प्राइज ऑफ शेड्यूल्ड ड्रग्स आर अलाउड एंड इंक्रीज ईच ईयर बाय ड्रग रेगुलेटर इन लाइन विद डू पी आई एंड एनुअल चेंजेस कंट्रोल्ड एंड रेयरली क्रॉस फाइव परसेंट ऑल मेडिसिन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस मेडिसिन आर अंडर प्राइज रेगुलेशन एज पर द ड्रग्स कंट्रोल ऑर्डर टू थाउजेंड थर्टीन शड्यूल्ड ड्रग्स अबाउट फिफ्टीन परसेंट ऑफ द फार्मा मार्केट आर अलाउड एंड इंक्रीज बाय द गवर्मेंट एज पर दब्ल्यू पी आई वेल द रेस्ट एर्टी फाइव परसेंट आर अलाउड एंड ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ फाइव परसेंट एवरी ईयर तो ये क्वेश्चन है आपका इसका जो आंसर है और क्वेश्चन को हम लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हो अन अकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप का हिस्सा जरूर से बनना नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है मार्च 27 को कोड अगर पूछे यूज द कोड एस पी एल आई वी ई नीचे लिंक आपको दिया है तो कोड दैट इज एस पी एल आई वी ई इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब अगर मीन्स क्वालिफाई आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा तो अन अकेडमी का जो लास्ट माइल है इस प्रोग्राम का आप हिस्सा ज़रूर से बन सकते हैं फ्री और कॉम्प्रहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है 170 प्लस टॉपर सेलेक्टेड आपका लास्ट ईयर है तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और प्रीलिम्स और सी सेट के लिए जो सेपरेट टेस्ट सीरीज़ भी यू कैन डू आप सिक्स मंथ या वन ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो ये टेस्ट आप जितनी बार जाएँ दे सकते हैं जब आप ज्वाइन करते हैं अन को तो जितने भी बैच कोर्सेस हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं अन स्टोर का आप हिस्सा बन सकते हैं जयपुर में भी आप मिल सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर से Uh, आप मुझसे भी मिल सकते हैं तो यहाँ पे आपका सेकेंड अप्रैल को होगा तो आप uh, ज़रूर से अगर आप जयपुर में रहते हो तो आप जरूर से आना वी कैन मीट एंड डिस्कस थिंग्स सो लेट स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक द फर्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड विथ आर्टिक रीजन आर्टिक रीजन से रिलेटेड uh, ये टॉपिक है और कंटिन्यूस बेसिस पे कई कंट्रीज के द्वारा स्टेप्स आपका लिया जा रहा है और उस स्टेप की जब हम बात करते हैं वेदर आ, वो इकोनॉमिक आस्पेक्ट पर ही फोकस कर होगा या इकोलॉजिकल आस्पेक्ट पर फोकस होगा दोनों चीज़ें हैं तो यहाँ पे देखो इंडिया होप्स टू पुट डाउन रूट्स इन आर्टिक तो ये इंडिया के द्वारा भी आर्टिक रीजन के अंदर जो फोकस है उस पर उसको यह चीज़ हाईलाइट आपकी कर रही है आर्टिक रीजन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया इस पर कई सारे आर्टिकल्स सा अभी पब्लिश होंगे सो so, इंडिया एस्पायर करता है कि उसका एक परमानेंट प्रेजेंस हो विथ मोर रिसर्च और सेटेलाइट ग्राउंड स्टेशन इन आर्टिक रीजन ये इंडिया कंटिन्यूस बेसिस पर फोकस कर रहा है कि जो रिसर्च है uh, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अपना जो परमानेंट प्रेजेंस है आर्टिक रीजन पर उसको इंक्रीज करे ऑलरेडी एक सिंगल स्टेशन है जिसका नाम हिमाद्री है ये स्वलबार्ड नॉर्वेजियन आर्की पे लागो जहाँ पे हमारे जो रिसर्चर्स हैं लगभग वन एटी डेज तक प्रेजेंट रहते हैं इंडिया और भी कार्य करने की कोशिश करेगा जैसे आइस ब्रेकर रिसर्च वेसल्स भी आइस वेस आइस ब्रेकर रिसर्च वेसल्स को प्रोक्योर करना क्योंकि 180 डेज हैं और पूरा का पूरा जो रीज़न है वो बर्फ से ढका रहता है तो आइस ब्रेकर का इस्तेमाल या आइस ब्रेकर जो रिसर्च वेसल्स हैं इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाए थ्रू इट्स एग्जिस्टिंग सेटेलाइट्स इंडिया बहुत सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं खासतौर से जो भी बदलाव हो रहा है आर्टिक रीजन के अंदर उसको भी उसको भी वो कैप्चर करता है और अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना देखो आर्टिक रीजन में बहुत से डेवलपमेंट हो रहे हैं एक टर्म भी मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट और एक टर्म और भी है एटलांटिफिकेसन तो ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा ये लगभग दो ढाई तीन साल पहले भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था यूट्यूब में अगर आप डालोगे सेपरेटली तो आपको एक वीडियो भी मिलेगा तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट में आप ये समझो कि पूरा का पूरा जो ये बर्फ है ये पिघल के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो ये बर्फ होती है ये बर्फ क्या है सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है बट वाटर लाइट को एब्सार्व करेगा ऐसा हीटअप कंटिन्यूस बेसिस पर होगा जब हीटअप ज़्यादा होगा सो इट विल रिजल्ट इन मोर मेल्टिंग पूरा का पूरा का जो इको है दैट मे बी डैमेज और पूरा वी कैन से पूरा जो बिकॉज ऑफ द हायर टेम्परेचर आर्टिक रीजन ब्लू ओशन में कन्वर्ट हो जाएगा रहा का मतलब ये हो गया कि जो आर्टिक ओशन है दैट विल हैव द कैरेक्टर ऑफ लाइक अ अटलान्टिक ओशन तो आर्टिक ओशन का एक डिफरेंट कैरेक्टर एटलांटिक ओशन का एक डिफरेंट कैरेक्टर है बट जो चेंजेस हो रहे हैं तो आर्टिक ओशन uh, का जो वाटर है दैट विल ऑल्सो भी लाइक अ अटलांटिक ओश्चन तो ये है तो यहाँ पे आर्टिक काउंसिल है ये एक ग्रुपिंग है इस पर कई बार प्रश्न पूछा है इंडिया इसका मेंबर नहीं है इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस है इंडिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है सो आठ एट नेशंस है कनाडा है डेनमार्क है फिनलैंड है नॉर्वे है आइसलैंड है रशिया है स्वीडन और यूएसए है तो ये आठ देश हैं इंडिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है आर्टिक काउंसिल uh, का इस रीजन में लगभग फोर मिलियंस लोग रहते हैं और ज़्यादातर मतलब वन टेंथ लोग इंडिजीनियस हैं जो वहीं पे पहले से रहे रह रहे हैं इंडिया का जो रिसर्च बेस है लगभग 2008 से हैं और दो ऑब्जर्वेटरीज भी हैं अब इंडिया इस पर रिसर्च क्यों करना चाहता है वाई इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंडिया दैट इट शुड इस्टेब्लिश इट्स रिसर्च रिसर्च बेस इन आर्टिक रीजन तो देखो आर्टिक रीजन में जो भी बदलाव होता है वो इंडियन मानसून को भी इम्पैक्ट करता है तो उसकी भी रीडिंग रिसर्च करना क्या इम्पैक्ट हो रहा है कैसे हम उसको रोक सकते हैं क्या कदम उठाए जा सकते हैं ये सब चीज़ें हैं तो इंडियन मानसून पर भी इन्फ्लुएंस इसलिए मैटर करता है क्लाइमेट चेंज है या फिर जो आइस कैप्स की मेल्टिंग है वो भी ध्यान में रखना है उस पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है तो लगभग इंडियन थर्टी एक्सपीडिशन सेंड किए हैं आर्टिक आर्टिक रीजन में सिंस टू और कई सारे लगभग ट्वेंटी साइंस प्रोजेक्ट है तो आर्टिक रीजन से रिलेटेड कई प्रश्न आपके फ्रेम हो सकते हैं पहले भी मेंस में पूछा गया है और अभी भी जो है वो पूछा जा सकता है इंडिया का जो आर्टिक काउंसिल है आर्टिक काउंसिल में ऑब्जर्वर स्टेटस है इट मींस वो मीटिंग और सब चीज़ें अटेंड कर सकता है इंडिया ऑल्सो सी फ्रॉम अ बिजनेस प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे ये जो आर्टिक रीजन है अगर इंडिया यहाँ पे प्रेजेंट रहता है तो अपने कमर्शियल uh, इंटरेस्ट को भी इंश्योर कर सकता है बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं मिनरल्स हैं अगर वो डिराइव होते हैं तो इंडिया भी उनका इस्तेमाल uh, कर सकता है इन्वेस्टमेंट की भी ह्यूज अपॉर्चुनिटी आर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे वो एक्सप्लोरेशन के लिए हो माइनिंग के लिए हो पोर्ट्स के लिए हो रेलवे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एयरपोर्ट्स बहुत सारे एरियाज में आर्टिक और उसके आस के इलाकों में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपका जनरेट uh, जो है वो हो जाती है तो यहाँ पर इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि जो इंडिया की प्राइवेट इंडस्ट्री है वो कुछ इन्वेस्टमेंट करे जिससे कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सके अराउंड आर्टिक रीजन तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे भी गए हैं जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किया गया है सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट द साइक्लोन सो अंडमान निकोबार रीजन के अंदर जो साइक्लोन है जिसका नाम आसानी साइक्लोन है वो आपका जो साइक्लोन आसानी है वो वो आपका, आपका जनरेट हो रहा है और अब उसका क्या कंडीशन होती है वो किसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया ब्रेस फॉर साइक्लोन शिप सर्विसेज सस्पेंडेड तो बिकॉज क्योंकि हवा तेजी से चलेगी और वेव्स जनरेट ज़्यादा होंगी तो फिशरमैन ना जाएं या तो ये सब प्रिकॉशनरी स्टेप्स आपके लिए जाते हैं देखो तो जब साइक्लोन्स की जब हम बात करते हैं हुए यू टॉक अबाउट द साइक्लोन साइक्लोन की बात करोगे तो दो तरीके के साइक्लोन एक तो आपका टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं इन टेम्परेट साइक्लोन्स के अंदर आपके जो फ्रंट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है फ्रंट्स के अंदर जो है दो एयर मासेस आके मिलते हैं एक एयर मासेस ट्रॉपिकल रीजन से आता है और एक पोलर रीजन से आता है ये दो एयर मासेस मिलते हैं पोलर रीजन से और जो है ट्रॉपिकल रीजन से जो एयर मासेस आते हैं तो उनका जब वो मिल के फ्रंट बनाते हैं और दिस इज रिलेटेड विद टेम्परेट साइक्लोन दूसरा आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे अभी जो फॉर्म हो रहा है दिस इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए लगभग 27 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर आपको चाहिए और ट्रॉपिकल uh, साइक्लोन्स के लिए और दूसरा जो है कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर की ज़रूरत है दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर ये दो चीज़ों की दो कंडीशंस की जरूरत आपकी रहती है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में एक तो 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कॉन्टिन्यूस सप्लाई तो दो कंडीशंस आपकी रहती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए ये जो अंडमान निकोबार का रीजन है या अरेबियन सी का जो रीजन अगर हम बात करें तो इस रीजन के अंदर जो साइक्लोन्स आपके बनेंगे वो साइक्लोन्स जैसे एक दो कंडीशंस रहती हैं मेनली दो सीजन्स रहते हैं एक रहता है कि जैसे बारिश से पहले जब गर्मी बहुत अधिक होने लगती है तो एक तो वो साइक्लोन आपका बनता है और एक दिसंबर के टाइम पर मतलब नवंबर दिसंबर के टाइम पे साइक्लोन्स बनते हैं तो अभी जो साइक्लोन्स बनेंगे कमिंग मंथ्स के अंदर तो वो साइक्लोन यहीं पर बिल्ड होते हैं लेकिन जो दिसंबर के टाइम पर होता है पैसिफिक ओशन में बन के हवा के माध्यम से फिर इस रीजन पर आपके आते हैं तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पर जो साइक्लोन्स बनेंगे तो इस समय और आगे के कुछ महीनों में जो साइक्लोन्स बनेंगे वो यहीं पे जनरेट होते हैं और दिसंबर के महीने में पैसिफिक ओशन में जनरेट होकर हवा के माध्यम से ये इधर एंटर करते हैं तो ये ध्यान रखें तो साइक्लोन आसानी की जब बात करते हैं तो ये साइक्लोन जो नाम रखा गया है ये श्रीलंका के द्वारा नाम आपका दिया गया है नेमिंग जब साइक्लोन की देखी जाती है तो नेमिंग साइक्लोन की बेसिकली उसमें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन है जिसके माध्यम से विश्व को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाता है हर देश जिस जो जोन में होता है अपना नेम सबमिट करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नेमिंग आपकी दी जाती है तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं और भी कई आस्पेक्ट है अभी आर्टिकल्स आगे आएंगे तो डिस्कस करेंगे और बहुत बात डिस्कस भी किया है कि जब नेमिंग साइक्लोन की की जाती है तो किस तरीके से की जाती है तो देखो साइक्लोन यहाँ ओरिजिनेट होके और ये फिर म्यांमार की तरफ जाएगा तो मेनली जो अंडमान निकोबार का जो रीजन है दैट विल भी इम्पैक्टेड इसका जो लैंडफॉल है वो इधर नहीं होगा लैंडफॉल आपका ये म्यांमार की तरफ है इस रीजन को ये हिट करेगा ये जो कुछ रीजन रीजन् कुछ कंट्रीज हैं दे विल भी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिश तो ये आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट इस जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है वो है चीता का इंट्रोडक्शन ठीक है तो कई बार देखते होगे ऐसे हम लोग बोल देते हैं चीता हम चीता देखने जा रहे हैं असल में इंडिया में चीता नहीं है एक्सटेंट है इंडिया में लिपर्ड है और ये सब है तो पहले बहुत सारे चीता हुआ करते थे अब क्योंकि क्या फैक्टर्स हैं क्यों रिड्यूस हो गया है तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कई सारे पॉइंट्स आपके दिए गए हैं लेकिन जो चीता है चीता के इंट्रोडक्शन के लिए सरकार तेज़ी से काम कर रही है कि इंडिया के अंदर जो चीता का इंट्रोडक्शन आपका किया जाए तो यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अफ्रीकन चीता टू इंडिया तो ये एक्सप्लेनर सीरीज़ के अंदर ये आर्टिकल आपका आया पूरी चीज़ें इसमें एक्सप्लेनड है तो यहाँ पे देखो अगर ये मैप भी देखोगे तो 1954 में 1940 में 1932, 67, 1910, 1912, 1894 ये हिस्टोरिक मतलब जो चीता था पहले के टाइम पे चीता जो है हर जगह ऑलमोस्ट बहुत ह्यूज डाइवर्स हैबिटेट में पाया जाता था और इंडिया के लिए भी काफ़ी Uh, मतलब इंडिया में भी काफ़ी सारे चीता आपके थे लेकिन अब क्या है बहुत ही कम अफ्रीकन कंट्रीज़ में चीता आपको मिलेंगे ईरान के अंदर चीता आपको मिलेंगे तो यहाँ पे इन देशों में चीता है तो इंडिया भी इनको इंट्रोड्यूस करना चाहता है कई सारी जगहों इससे बहुत समय से डिबेट चल रहा है आज से नहीं है मतलब काफ़ी समय से इस पर डिबेट चल रहा है कि चीता को इंट्रोड्यूस करें क्या पर्पज़ है क्या ऑब्जेक्टिव है क्या चैलेंज है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें कई बार इंटरवेन करना पड़ा अपने व्यू पॉइंट्स जो है वो देने पड़े लेकिन चीता का की अगर बात किया जाए तो बहुत ह्यूज एरिया में जो चीता है वो आपका इंडिया में पहले से पाया जाता है तो गवर्नमेंट की बात अगर की जाए तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा प्रयास भी किया क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले ही जो चीता है ऑलमोस्ट इंडिया से एक्सटेंड किया गया था अब लगभग 50 ऐसी जो चीता है इनको हम इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं अफ्रीका का जो सवाना रीजन है सवाना वेजिटेशन में देखो सवाना जो है वेजिटेशन है इसमें एक खास चीज है चीता तो एक तो बहुत तेज दौड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट में वो प्रेजेंट नहीं रहेगा कि उसे वो ज़्यादा रनिंग ना कर पाए तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जहाँ पे ट्रीज और एक तो ट्रीज़ है और दूसरा आपका ग्रासेस ट्रीज़ और ग्रासेस का जो कॉम्बिनेशन है जहाँ जहाँ ट्रीज और ग्रासेस का कॉम्बिनेशन है वहाँ वहाँ पे आ, जो मतलब वो हैबिटेशन चीता के लिए आपकी रहते है चीता इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर भी है सो व्हाट वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चीता इन इंडिया और इसका हैबिटेट क्या था हिस्टोरिकली अगर चीता को देखा जाए तो बहुत सारे लार्ज एरिया में इंडिया में पाया जाता था तमिलनाडु से लेकर गुजरात से लेकर राजस्थान से ले, से ले, से ले वेस्ट बंगाल के बहुत सारे रीजन्स में पाया जाता था ये ड्राई ग्रास लैंड सवाना टाइप वेजिटेशन है स्क्रब फॉरेस्ट है इन एरियाज़ में आपका जो है चीता पाया जाता था ईरान की अगर बात किया जाए तो ईरान के अंदर भी कुछ हिल टेरेन है रॉकी वैलीज हैं डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर ये कुछ एरियाज़ हैं ईरान के अंदर जहाँ पे चीता आपके प्रेजेंट है अब एक्सटेंट इंडिया से चीता क्यों हुए इंडिया के इंडिया में चीता जो एक्सटेंड हुए उसके पीछे कई फैक्टर्स हैं जैसे मान लो हिरण को मारना है तो चीता का इस्तेमाल किया जाता था तो उसको पकड़ा जाता था तो यहाँ पे उसको कैप्चर करना फिर उसके बाद क्या है कि ब्रिटिश जो है उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो मतलब चीता को मारने के लिए प्राइज़ रखा गया तो इस तरीके से सा बहुत सारी उनकी किलिंग होने जो है वो लग गई फिर बहुत सारी चीता को जो है कई पहले के टाइम की मूवीज़ आपने देखी होगी कि चीता को एक जो विलन है वो साथ में रखता था तो ऐसे पहले के टाइम पर भी मतलब जब चीता बहुत सारे होते थे तो वो चीता को रखा जाता था कैप्टिव बना के रखा जाता था अब कैप्टिव बना के रख जाता था तो उसमें उनका जो रिप्रोडक्शन एबिलिटी है दैट आल्सो इंपैक्टेड हंटिंग करना बाउंटिंग किलिंग करना ऐसा कैप्चरिंग करना ये सब फैक्टर्स है फिर बाकी हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन तो अभी ज्यादा विजिबल हुआ है पहले तो जो थे इवन हैबिटेट भी प्रेजेंट था लेकिन फिर भी जो बड़ा फैक्टर ये था कि उनको मारने का के लिए एक तरीके से इंकरेज करना कैप्टिव बनाना कैप्टिव में वो ज्यादा समय तक नहीं रह पाते थे जैसे अकबर जो थे वो लगभग एक हजार चीता वो रख वो रखा जाता था उसके द्वारा उसका नाइन थाउजेंड कैट्स ड्यूरिंग हिज हाफ सेंचुरी रेन अब ये इमेजिन करो नाइन थाउजेंड इस टाइम पीरियड के दौरान नाइन थाउजेंड फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स से सिक्सटीन जीरो फाइव टीपू जो सुल्तान था उसकी भी अगर आप बात करोगे तो नाइनटीन सेवनटीन में लगभग सिक्सटीन चीता उसका हिस्सा था तो ये सब ऐसे पहले के ऐसे आ, एक तरीके से इंटरेस्ट रहा करते थे कि इतने सारे चीता की फौज जो है वो अपना बना के रखते थे अब धीरे धीरे इतने सारी चीता आप एक ग्राउंड में रख दिया कहीं भी जैसे रख दिया तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सस्टेन उनके लिए भी बहुत मुश्किल रहेगा कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें अब देखो कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है अगर कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स की बात किया जाए ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अफ्रीकन चीता इन इंडिया इज़ इट अ प्रायरिटी फॉर इंडिया इज इट अ कॉस्ट इफेक्टिव तो यहाँ पे इंडिया के कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो हैं लेकिन इंडिया की जब बात करें तो इंडिया जो कंजर्वेशन करना चाहता है अफ्रीकन चीता का दैट इज़ बेस्ड ऑन साइंस साइंस के बेसिस पर सो so, यहाँ पे ये देखना है कि साइंस इज़ बींग यूज एज अ लेजिटमाइजिंग टूल फॉर व्हाट सीम्स टू बी अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कंजर्वेशन गोल तो यहाँ पे साइंस क्योंकि इंडिया में पहले से ही चीता बहुत समय से प्रेजेंट थे अब मतलब इंडिपेंडेंस से पहले एक्सटेंड हो गए ऑल दो जो हैबिटेट चीता को चाहिए वो प्रेजेंट है तो उसको ध्यान में रखते हुए कई स्टेप्स लिए जा सकते लेकिन क्या स्टेप्स लेना चाहिए इस पर डिबेट होना जरूरी है कई प्रकार के जो कंस्ट्रेंट है उन कंस्ट्रेंट को डिस्कस करना जरूरी है तो यहाँ पे जैसे जो चीता की एक पॉपुलेशन मेंटेन किया जाए तो चीता एक, एक जो रोल प्ले कर सकता है एज अ टॉप प्रीडेटर टू परफॉर्म इट्स फंक्शनल रोल एज अ टॉप प्रिडेटर एंड टू प्रोवाइड स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ चीता विद इन इट्स हिस्टोरिकल रेंज तो यहाँ पे एक तो ग्लोबल जो कंजर्वेशन एफर्ट है चीता के लिए उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किस तरीके से जो चीता है चीता की पॉपुलेशन कैसे एक्सपेंड हो सके जिस स्पेस में वो प्रेजेंट है वहाँ पे वो रह सके जिस इकोसिस्टम को हिस्सा वहाँ पे टॉप रेडिटर के रूप में कार्य कर सके लेकिन जो अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा मान लो कई सारी जैसे कोनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि दैट चीता प्लेज़ अ टॉप रेडिटर रोल वहाँ पे टॉप टॉप रेडेटर रोल दूसरे टाइगर और दूसरे जो एनिमल्स है दे कैन प्ले दैट रोल तो वो रोल वुल्फ है कैरा है ये रोल कर सकते हैं तो चीता ऐसा नहीं कि इवन इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग चीता इन, इन इन एनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो इट विल एक्ट एज अ टॉप रेडेटर टॉप रेडिटर के रूप में वो कार्य करेगा तो यहाँ पे चीता एज अ करिज्मेटिक फ्लैगशिप अम्ब्रेला स्पीसीज तो यहाँ पे अगर एक किसी एक एरिया में आप ध्यान समझना किसी एक एरिया में अगर चीता प्रेजेंट है तो उस एरिया में उस इकोसिस्टम के कंजर्वेशन के लिए बहुत सारा प्रयास किया जाएगा और जो ओपन uh, फॉरेस्ट है है ना उसको जो जो भी रिसोर्सेज हैं Uh, उसके लिए वी कैन से हम लोग कदम उठाएंगे बिकॉज उस इको को सस्टेन मेंटेन करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे बायोडावर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए जो है वो स्टेप्स आपके लिए जाएंगे और फिर उसका फर्दर बेनिफिट्स भी देखने को जो है वो मिलेगा सो so यहाँ पे रिसोर्सेज फॉर रिस्टोरिंग ओपन फॉरेस्ट सवाना सिस्टम जो कि बायोडावर्सिटी इको सिस्टम सर्विसेज जो ऑफर किया जाता है जैसे जो इको है बायोडावर्सिटी की बात करते हैं या इको की बात करते हैं उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है देर आर मेनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई इको सिस्टम तो इकोसिस्टम तो रिस्टोरेशन एक्टिविटी अब यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट आपको ध्यान में रखना है अगर किसी चीज को किसी चीज के लिए किया जाए ठीक है जैसे मान लो फॉरेस्ट है अब उस फॉरेस्ट को आप कंजर्व करोगे क्यों क्योंकि यहां चीता रहते हैं अब चीता रहते हैं तो जब चीता प्रेजेंट है लोग जाएंगे लोग भी सोचेंगे अच्छा चीता है यहाँ पे इस तो उस पूरे की पूरे रीजन को इस पूरे फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करना है तो इंडिया कोशिश करेगा कि पहले से ही जो चीता प्रेजेंट है आज भी ये जो चीता प्रेजेंट है इनके इको को प्रोटेक्ट करना एक बार इको को प्रोटेक्ट किया फॉरेस्ट को रिस्टोर किया रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल किया तो जो कार्बन है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी हेल्प करेगा ज़्यादा जितने ट्रीज़ होंगे उतना एटमोसफियर से कार्बन को एब्जॉर्ब ये ट्रीज़ करेंगे और फर्दर ये इंडिया के जो टारगेट है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से रिलेटेड फॉरेस्टेशन के माध्यम से तो वो अचीव हम कर सकते हैं तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव जो है वो रखा गया नेक्स्ट देखते हैं दिस इज रिलेटेड विथ अ इको जैसे जो आ, मतलब जो ट्रीज होते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो ट्री जैसे ये अगर आप देखो ये ट्रीज़ हैं बहुत सारे ट्रीज़ हैं हम कई बार देखते हैं अफॉरेस्टेशन अफॉरेस्टेशन की बातें चलती रहती हैं और अफॉरेस्टेशन जब होता है तो उसमें क्या है कि कई कही, कहीं से कोई ट्री लगा दिया तो हम सोचते हैं ठीक है इट्स इट इज़ वेरी गुड और जो ट्रीज़ हैं इस ट्रीज़ को लगाने से हमें काफ़ी बेनिफिट होगा लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि हर जगह अगर आपने ट्री लगा दिया सिर्फ ग्रीन कलर है और ट्री है तो जरूरी नहीं कि वो बेनिफिट आ, सेम सा रहे वो वो सारा का सारा जो बेनिफिट है उस बेनिफिट को अचीव किया जा सके जो कोई भी ट्री है जैसे मान लो कोई ट्री आपने एक जगह लगाया वेदर डैट ट्री इज़ अ नेटिव स्पीसीज और नॉट कहीं वो एलियन स्पीसीज तो नहीं मतलब उस जगह की स्पीसीज़ ना हो क्योंकि ये देखना है कि जो फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट के इको का हिस्सा वो ट्रीज़ बन सके ऐसा हमें इंश्योर करना है तो ये ये ध्यान में रखना है कि अगर ट्रीज़ को काट के आपने ग्रासेस लगा दिया ग्रासेस की जगह पेड़ लगा वो एग्रीकल्चर कर दिया अब ग्रीन ग्रीन है तो ऐसा नहीं कि ग्रीन ग्रीन से सब कुछ ठीक हो गया ये देखना है कि जब भी हम एफॉरेस्टेशन करें तो जो रिक्वायर्ड ट्री स्पीसीज है उसी को होना चाहिए ऐसा इंश्योर करना है तो यहाँ पे इसी पर भी बहुत अच्छा आर्टिकल जो है हाईलाइट जो है किया गया है इसको डिस्कस करते हैं अच्छा कौन सा टॉपिक किससे बिलोंग करता है वो स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जब भी आप नोट्स प्रिपेयर करो तो ये ध्यान में रखना है कि जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाना आप जो है उसको डेट वाइज नोट नहीं करना है तो कोई कोई भी टॉपिक जोग्रफी एनवायरनमेंट का जैसे टॉपिक है आ, या साइक्लोन का टॉपिक जो अभी डिस्कस किया जोग्रफी एनवायरनमेंट का तो ऐसे उसी सब्जेक्ट के अंदर जो है उसको मेंशन करना है जोग्रफी मतलब अलग अलग जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि आ, जितने मॉड्यूल्स हैं उनका सेपरेट अपना बना सकते हो एक ही रजिस्टर में ऐसा डिवाइड कर सकते हो और वहीं पर नोट डाउन करना आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने उनके एडवांस टॉपिक इन्हीं के माध्यम से होंगे और प्रश्न भी आपको इन्हीं एरिया से मिलेगा तो अपना स्टैटिक अच्छा करके इन एडवांस टॉपिक्स पर फोकस करते रहना सो पहला तो फैक्ट आपको याद रखना कि जो मार्च ट्वेंटी है मार्च 21 बेसिकली इसे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कि अवेयरनेस जनरेट किया जाए फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस को बताया जाए और कंट्रीज ने भी कई कंट्रीज भी कई तरीके की कैंपेन्स करते हैं अवेयरनेस जनरेट करने के लिए चाहे वो ट्री प्लान्ट कैंपेन है कि कैसे हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी उसको कंजर्व कर सके क्लाइमेट चेंज से जो है बच सके दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नेशनल अफरेस्टेशन इको डेवलपमेंट बोर्ड का भी जो गठन किया और उसमें एक नाइनटीन थाउजेंड करोड़ का जो प्लान है अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट है लगभग थर्टीन मेजन रिवर्स के अलॉन्ग या फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट आपका किया जाएगा और रिवर के अलॉन्ग कैसे जो फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना लगभग इतने से वो प्रयास आपका किया जाएगा अब देखो ये कहा गया कि कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम सिस्टम को हमें ध्यान में रखना है फॉरेस्ट एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है क्योंकि देखो कई सारे चाहे वो बर्ड्स हो मैमल्स हो रेप्टाइल्स हो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो एक इकोसिस्टम के अंदर रहता है और जो ट्रीज हैं उससे एसोसिएटेड और भी Uh, दूसरे नॉन लिविंग सिस्टम उसका हिस्सा है तभी वो इको बनेगा इको के अंदर क्या है डिफरेंट चाहे वो वाटर हो सॉइल हो, uh, हो दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशन हो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे पर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट डिपेंडेंट है और एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का हम जो है गठन करते जैसे एक एक परिवार है एक घर के अंदर एक परिवार है तो उस परिवार के अंदर कुछ ना कुछ एक दूसरे के ऊपर एक डिपेंडेंसी भी रहती है एक दूसरे से एक रिलेशन भी होता है दूसरा क्या होता है है कि अगर आप कोई बाहर के किसी बहुत सारे पर्सन को जिस जो अन नोन है जानते नहीं और उस घर के अंदर रह बोलो कि तुम अब इस घर के अंदर रहोगे तो जितने भी परिवार के लोग होंगे उन्हें अगर कंपल्शन की वजह से रखना पड़ रहा है तो फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे मतलब उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा इसी तरीके से जो इको है उस इको सिस्टम के अंदर अगर आप किसी नॉन नेटिव स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वो इको को सस्टेन मेंटेन करने में इतना फैसिलिटेट नहीं करेगा तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्री आप लगाए और वो ग्रीन कवर का हिस्सा बन जाता है तो वो बेनिफिशियल होगा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है उस कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम को भी हमें देखना है तो यहाँ पर प्लांटिंग ट्रीज़ विल हेल्प कार्बन स्टोर करना पॉल्यूशन को रिड्यूस करना कोई भी इन्वेसिव जो स्पीसीज है नेटिव नॉन नेटिव जो स्पीसीज है वो कार्बन स्टोरेज में तो एक हेल्प आपका जरूर से करती है लेकिन ये हमें ये देखना है कि कोई भी जो स्पीसीज है उस स्पीसीज का किस तरीके से लोकल एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है ये देखना ज़रूरी है कई ऐसी नेटिव स्पीशीज़ अगर नॉन नेटिव एरियन स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं कई नेटिव स्पीशीज़ वहाँ से इंडिजिनस स्पीशीज़ है वो धीरे धीरे एक्सटेंट होना चली जाए एक्सटेंट uh, होती है आपकी चली जाएंगी अगर कोई स्पीशीज़ हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका हैबिटेट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी देखना जैसे मान लो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है अभी इसे एक बार सोचा गया था कि इसे इंडियन नेशनल बर्ड के रूप में डिक्लेयर uh, किया जाए लेकिन क्या हुआ कि uh, जिस कंडीशन के अंदर ये ग्रो करें जैसे थोड़ा ग्रासी एरियाज़ होना चाहिए वहाँ पर ये ग्रो कर वहाँ पर ये प्रेजेंट रहती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जी जिसे हम कहते हैं तो क्या हुआ कि उस उन ग्रासेस में जो इनकी हैबिटेट है वहाँ पर आपने बड़े बड़े पेड़ लगा दिए अब उस पेड़ जहाँ इस प्रकार का एक हैबिटेशन हो गया जहाँ पे बड़े ग्रीन प्लांट्स लगा दिए देखने में तो ग्रीन प्लांट्स हैं बट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए वो हैबिटेट का, का काम नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे फिर उनके नंबर्स जो हैं वो आपके रिड्यूस जो है होने लग गए तो नेटिव ट्री स्पीसी को जो है वो यूज़ करना जरूरी हो जाता है लेकिन नेटिव स्पीसीज में ये भी हमें देखना है कि कोई ट्री मान लो नीम पीपल बनयान कई ऐसे ट्रीज़ हैं अब ये ट्रीज़ को भी हम नेटिव के रूप में की ठीक है इंडिया का इंडिया का, ने, इंडिया का नेटिव स्पीसी अब यहाँ इंडिया की बात नहीं है मान लो राजस्थान में कोई ट्री अब अगर आप ग्रो करते हो तो वहाँ पर जो नेटिव है वो अलग होगा मध्य प्रदेश में अलग होगा मतलब कई सारी ऐसे ट्रीज़ होंगे जो कि रीजनल लेवल पर नेटिव होंगे तो उसको देखना है हमें कि किसी किस रीजन के अंदर Uh, कोई भी जो प्लांट है वो नेटिव है कि नहीं वो देखना है हमें uh, उस हिसाब से जो प्लांटिंग है वो प्लांटिंग की तरफ फोकस uh, करने की ज़रूरत है तो ट्री प्लांटिंग एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसको उसके लिए वो सूटेबल uh, हो लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए और नेटिव जो वेजिटेशन है बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे एक रो रोल प्ले कर सकता है फॉरेस्ट को फॉर्म करने में ऐसा इंश्योर कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ऐसी स्पीसीज आपने लगा दी ट्री की दूसरी स्पीसीज सस्टेन ना कर पाए तो वही एक पर्टिकुलर ट्री ही बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया फॉरेस्ट में डाइवर्सिटी की जरूरत है जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज़ आपके प्रेजेंट होते हैं और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रीज प्रेजेंट होते हैं वो वी कैन से कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रीज़ हैं प्रेजेंट होते हैं जो फॉरेस्ट का आ, हिस्सा बनते हैं कैसे जो आ, आपके आ, ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज़ हैं ख़ासतौर से जो नेटिव ट्रीज हैं जिनको आप ग्रो करोगे कैसे वो आ, हेल्प कर सकते हैं लोकल बायोडावर्सिटी को सस्टेन करने में ऐसा हमें फोकस जो है वो करना है नेक्स्ट देखते हैं दिस इज़ रिलेटेड विथ ये टॉपिक आपका टेक्सटाइल से रिलेटेड है जैसे जैसे अगर आप देखोगे जो टेक्सटाइल है यहाँ पर इकोनॉमी और टेक, टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी से लिंक करके टॉपिक आपका फ्रेम होता है तो यहाँ पे देखते जैसे धीरे धीरे जो टेक्सटाइल है उसकी जो नीड है डिमांड है वो बढ़ रही है पाकिस्तान है बांग्लादेश है इंडिया एक मेजर प्लेयर है बांग्लादेश काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है टेक्सटाइल के अंदर तो वो भी कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो इस पूरे आर्टिकल के अंदर अगर आप देखोगे कि इंडिया जो साउथ एशियन टेक्सटाइल की जब हम बात करते हैं उसमें क्या स्टेप्स की ज़रूरत है इंडिया को कैसे प्रोसीड करना है क्या चैलेंजेस हैं ये सारा इस एडिटोरियल के अंदर आर्टिकल आपका दिया गया है तो ये इशूज़ पर फोकस आपको हमेशा से करना है हमेशा मैंने आपको बोला है कि आपको ऐसा हेडलाइंस रीड नहीं करनी है कि आप हेडलाइंस इसने ये कहा उसने वो कहा इससे ये मिले प्रधानमंत्री वहाँ गए विदेश मंत्री यहाँ गए यूक्रेन में ऐसा हो गया इस टाइप का जो हेडलाइंस आपको नहीं पढ़ना है ठीक है तो ये ये आपको अवॉइड करना चाहिए टाइम को सेव करने के लिए इश्यूज़ पर फोकस करना कोई भी जब आज हेडलाइन है अगर वो इशू के रूप में आएगा तो उसमें आर्टिकल एक दो तीन दिन के अंदर आ जाएंगे उतना आपको वेट करना चाहिए अपने टाइम को करना ऐसा नहीं कि पेपर के अंदर हर चीज़ जो लिखी हुई है और अगर आप पेपर दो दो घंटे ती, तीन तीन घंटे का सेशन देख रहे हो फिर तीन घंटे जो है दो घंटा के नोट्स बना रहे हो तो चार घंटे पाँच घंटे आप एक पेपर में दे रहे हो तो ये कभी आपको ये रिटर्न नहीं मिलेगा तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है एट मैक्स आप जैसे 40-45 मिनट का सेशन है और 15 सात सात पैरेलली नोट्स बनाते गए वन आवर के अंदर वन वन आवर के ऊपर आप पूरा आपका ख़त्म हो जाना चाहिए बाकी 15-20 मिनट आप अपने रिवीजन को देखो इतना समय आपको देने की जरूरत है क्योंकि आपको अपने स्टैटिक पार्ट को भी अच्छा करना है ऑप्शनल भी अच्छा करना है ऐसे राइटिंग भी अच्छा करना है ऐसे नहीं कि आप दिन भर करंट अफेयर्स ही पढ़ रहे हो तो ये देखना है तो यहाँ पर करंट इश्यूज़ को कर कवर करने के लिए आपको एक न्यूज़ पेपर अच्छे से फॉलो करो फिर दूसरा एक चीज़ और करनी है वो है कि जो कंपाइलेशन आता है कई इंस्टीट्यूट के कंपाइलेशन निकलते हैं साल के एंड में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए उसको कर लो तो पेपर का रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं हो सकता न्यूज़पेपर का उसको तो करना ही है और एड ऑन कंपाइलेशन से कर लो एक एक वो भी एक सोर्स फॉलो करना है बस और फिर अपने स्टैटिक को अच्छा करो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो यू के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर करो आप इतना ज़्यादा बहुत सारे रिसोर्स आप कर लो कि ये वेबसाइट का भी कर लेते हैं उस वेबसाइट का भी कर लेते हैं पाँच मैगजीन भी कर लेते हैं ये नहीं है इतना मतलब अगर हम ऑक्टोपस अप्रोच रखें जैसे ऑक्टोपस होता है ना ऑक्टोपस के अंदर बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं है ना आठ दस उसके ऐसे होते हैं आठ आठ पेयर के ऐसे होते हैं तो वो ऑक्टोपस बन के हम नहीं यहाँ जी सकते हैं ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना कि हर जगह आप होल्ड नहीं कर सकते हो तो ये ध्यान में रखना है रिसोर्सेज डिफाइन करना है और ये देखना है कि किसी चीज़ में हम मेहनत कर रहे हैं उसमें हमें रिटर्न कितना जो है वो मिल रहा है कुछ चीज़ें में हमें थोड़े से डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उस प्लान को अपने प्लान को उसी तरीके से वर्क ऑन आपको करना होता है अब देखो इंडिया की बात हम करते हैं इंडिया के कई सारे एस्पेक्ट है इसको ध्यान से समझना देखो लोअर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ वेस्टर्न बायर्स ये बांग्लादेश के लिए बहुत बेनिफिशियल है एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी है उसने कई एग्रीमेंट्स भी कंट्रीज दूसरी जो वेस्टर्न कंट्रीज उनके साथ साइन किया है तो इसलिए क्या वो एक टेक्सटाइल के अंदर ग्लोबल एक्सपोर्टर के रूप में एक इमर्ज हो रहा है जब बांग्लादेश की बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर भी जो रेडीमेड गारमेंट है उसमें भी तेजी से प्रोग्रेस आपका हुआ है और कई सारे स्टेप्स भी लिया जा रहा है इंडिया होल्ड्स फोर परसेंट चेयर ऑफ यूएस डॉलर एट फोर्टी बिलियन ग्लोबल टेक्सटा ग्लोबल टेक्सटाइल ये आप याद रखना है कि यहाँ पे इंडिया फोर परसेंट जो शेयर है ग्लोबल टेक्सटाइल का वो होल्ड करता है और है ना अप्रैल मार्केट ग्लोबल टेक्सटाइल अप्रैल मार्केट जो कपड़े से रिलेटेड है और फिफ्थ पोजिशन इंडिया होल्ड करता है तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री टेक्सटाइल सेक्टर में uh, काफ़ी सारे वी कैन से आपको ध्यान में रखना है uh, ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है कि काफ़ी सारे आ, इंडिया ने भी स्टेप्स आपके लिए तो इंडिया एक्सपोर्ट्स लगभग अगर देखा जाए तो 0.8 परसेंट डीप इन 2019 ये रिड्यूस हुआ है बांग्लादेश बहुत तेजी से आपका आगे बढ़ रहा है इंडिया के द्वारा कई स्टेप्स भी ले जैसे टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम भी है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इंडिया को मैन जो फाइबर है इसमें अभी और मूव करना है मतलब इस पर फोकस करना है जो फैशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्टिल ऑपरेट इन सीजनल फैशन तो जैसे अब मार्केट के अंदर इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर डिमांड जनरेट हो रही है एक तो जैसे इंडिया को ये भी देखना है कि अपना खुद का एक ब्रांड क्रिएट करे अगर ब्रांड हम क्रिएट करते हैं अभी तो क्या है कि मान लो हमारे कपड़े हैं ब्रांड कोई और है तो सारा बेनिफिट जिस ब्रांड के ठप्पा लगेगा उसको सारा चला जाता है ये इंश्योर करना इंडियन ब्रांड कैसे डेवलप हों टेक्सटाइल के अंदर तो वहाँ पर ब्रांड और जो कपड़ा भी हमारा ब्रांड भी हमारा तो उसमें अर्निंग ज़्यादा होगी बांग्लादेश की बात किया जाए तो कॉटन प्रोडक्ट पर वो काफ़ी आपका फोकस कर रहा है आ, कई सारे जो उसे भी चैलेंजेस जैसे फेस करना पड़ता है स्किलिंग है ट्रीशन है मतलब तो नंबर ऑफ लेबर उस एरिया में है वो रिड्यूस हो या फिर स्किलिंग करने की और ज़रूरत है और स्किल प्रोवाइड करने की जरूरत है अगर ये सब चीज़ें हैं क्योंकि लोग छोड़ भी रहे हैं कार्य भी नहीं कर रहे और स्किल प्रोवाइड करने में स्टेबल है तो ये हायर कॉस्ट ऐड ऑन कर देता है श्रीलंका की बात करें ये भी काफ़ी आगे आपका बढ़ ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन सब एरियाज़ पे भी फोकस श्रीलंका ने किया है तो अपने ब्रांड को श्रीलंका भी डेवलप करने की कोशिश करा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पे क्या है कि जो प्रोडक्ट है जैसे मान लो इवन टेक्सटाइल प्रोडक्ट को बनाना तो उसमें भी बहुत सारे आपके टेक्नोलॉजी की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसका इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया चाहे वो रोबोटिक्स से रिलेटेड हो एआई से रिलेटेड हो वर्चुअल रियलिटी से थ्री प्रिंटिंग है ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं तो रोबोटिक्स का इवन इस्तेमाल कर जैसे जो काम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर लेबर के द्वारा किया जा रहा था वो काम अब आ, किया जाएगा बाय डिफरेंट टेक्नोलॉजी मतलब ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे अब ये एक चैलेंज बन जाएगा एक तो हमारे देश या दूसरे देश में जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के रूप में लेते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होने की वजह से जो लेबर्स हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और अगर लेबर की जगह टेक्नोलॉजी उसकी जगह ले लेगी तो इट विल बी अ ग्रेट चैलेंज आल्सो बिकॉज फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर भी इम्पैक्ट इसका पड़ेगा सेवन परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया भी ये सब चैलेंज काफ़ी फेस करेगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ऑटोमेशन भी हम करेंगे अगर ऑटोमेशन करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा कोविड वन नाइन ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है तो और दूसरी कंट्रीज़ जो है मे बी ऑटोमेशन करें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी जो प्रोडक्शन बढ़ा लें लेकिन क्या इंडिया भी ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है अनएम्प्लॉयमेंट ट मतलब अगर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोलूशन की बात करें तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट या पोअर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है क्योंकि अगर इवन किसी के पास स्किल नहीं है अगर जो स्किल की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए नई जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही उनको इस्तेमाल करने के लिए स्किल की जरूरत है अगर वो स्किल भी नहीं है तब भी एम्प्लॉयमेंट मिलना मुश्किल आपका हो जाएगा तो ये क्या है कि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी जो जॉब्स हैं ऑप्सिलिट जॉब्स हैं उसको निकालना मतलब उसको ख़त्म करना और नए जो चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो इसमें पूरा जो लेबर फोर्स है उस लेबर फोर्स के स्किलिंग रिक्वायरमेंट में भी काफ़ी सारे बदलाव आपके होंगे तो सीजनल फैशन से फास्ट फैशन की तरफ जो है वो आ, स्विच किया जा रहा है सीजनल फ़ैशन से फास्ट फैशन की तरफ एक्यूरेट फैशन की तरफ उस पर जो है फोकस किया जा रहा है और डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है चाहे वो डिज़ाइन बनाने में है जैसे पहले बैठ के आराम से कोई डिज़ाइन डेवलप कर रहा है अब वो सब कुछ आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जाए प्रोटोटाइप बनाना प्रोडक्शन की बात अगर करना तो बहुत सारे एरियाज़ uh, के अंदर बहुत सारे एरियाज़ के अंदर अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंटिन्यूस बेसिस पे होने लग गया है तो ये जो ऑटोमेशन है क्योंकि मशीन को आप 24 घंटे सातों दिन कार करा सकते हो लेबर का तो जो है इतना नहीं करा सकते हो तो कुछ बेनिफिट कंपनीज उसी हिसाब से देखना है स्टार्ट कर देती हैं लेकिन इट विल रिजल्ट टू हायर अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करना क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका एफिशिएंट है तो कॉस्ट जो रिडक्शन है उस पर भी आपका जो है फोकस कॉस्ट रिडक्शन भी देखने को मिलेगा सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना ये भी है कि जैसे जो बांग्लादेश है बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट है उन्होंने ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पर फोकस किया क्योंकि देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें पानी का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है कई रिसोर्सेज का कंजम्पन बहुत हाइयर होता है तो यहां पर लगभग सेवेंटी से ट्वेंटी ऑफ ऑल वाटर पॉल्यूशन इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्ट टेक्सटाइल एंड एप्रल एफ्लूंस मतलब जब ये टेक्सटाइल और ये बनाते हैं तो जो पानी बह के आता है उससे वाटर पोल्यूशन आपका कॉज करना है तो ये इंडिया ने भी फोकस किया है कि किस तरीके से हम टेल पाइप मैनेजमेंट पर फोकस कर सके जो पानी रिलीज होता है उसको दूसरे पर्पज के लिए इस्तेमाल करना या फिर उसको रिसाइकिल करना या फिर फिर उसको कहीं और करना जिससे कि पोल्यूशन ना हो इस पर फोकस आपका किया गया है दूसरा अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करना और उसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रखना गुड ट्रेड रिलेशन रहे ऐसे बहुत से कदम हैं या टैक्स एग्जम्पन प्रोवाइड करना ऐसे कई सपोर्ट जो भारत की सरकार है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोवाइड आपकी कर सकती है दूसरा एक्सेस टू अफोर्डेबल लेबर कंटिन्यूस टू बी एन एडवांटेज फॉर द रीजन साउथ एशिया की जब हम बात करें अफोर्डेबल लेबर एक तो लेबर है अगर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको जो स्किल है वो आपका प्रोवाइड कर सकते हैं धीरे धीरे इंडिया की बात करें तो बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं तो जो नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उस पर उनको ट्रेन भी किया जा सकता है तो इंडिया का जो पोटेंशियल है उसके रिसोर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर पर टेक्नोलॉजी पे जो अभी यंग पॉपुलेशन है उस पर पॉलिसी फ्रेमवर्क पर है, है। तो यहाँ पर जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोलूशन के माध्यम से फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोलूशन में टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर लेवल पे डिजिटलाइजेशन पर फोकस करना तो ये इम्पैक्ट आपका आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी पड़ेगा तो इंडिया कैसे टेक्सटाइल में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसमें ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप कर सकता है उस इंटेंट के लिए भी काम करना है और उस पर फोकस भी आपका कंटिन्यूस बेसिस में किया गया है इन्वेस्टमेंट की जो जरूरत है तो इन्वेस्टमेंट भी इंडिया ने फोकस किया जैसे यूएस डॉलर 1.4 बिलियन है उसके बाद वन टेक्सटाइल पार्क की अगर बात करें तो ये एम्प्लॉयमेंट और ईज़ ऑफ ट्रेड व्यापार को ईज़ पे आ या आसानी जो है व्यापार में वो इंक्रीज़ करना जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ आपका होना टैक्स रिबेट प्रोवाइड करना ये भी टैक्स रिबेट एक अर्निंग होती है तो उसमें सर्टन टैक्स रिबेट प्रोवाइड करना लेबर लॉ रिफॉर्म्स हैं इंसेंटिव्स हैं इनकम टैक्स रिलेक्सेशनस हैं इस पर सारा फोकस करना और मैन मेड जो फाइबर है उस पर भी फोकस जो है वो करने की बात की गई है तो कुछ स्टेप्स फाइनल जो स्टेप्स इस आर्टिकल के अंदर जो हाईलाइट किए गए पहला कि जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो डाइवर्सिफिकेशन है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं उस पर फोकस करना दूसरा ये देखना कि जरूरत क्या है मार्केट में जो क्लाइंट की क्या जरूरत है उस हिसाब से प्रोडक्शन करना मैनमेड जो टेक्सटाइल है उसके डिमांड को मीट करना दूसरे जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उनके डिमांड को मीट करना ऐसा नहीं कि हम एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते रहें उसके बाद कई सारे एरियाज में चाहे ऑकुपेशनल सेफ्टी हो प्रोडक्शन

को सस्टेनेबल रखना एनवायरमेंट फ्रेंडली हो ऐसा नहीं कि जो एफ्लुएंट रिलीज़ हो रहे हैं उससे काफ़ी अधिक जो है नुकसान हो कंटिन्यूस बेसिस में वाटर पॉल्यूशन आपका कॉज हो तो इसको कैसे रोका जा सकता है इस पर फोकस आपका करना है रिस्किलिंग अपस्किलिंग जो लेबर फोर्स है जो टेक्नोलॉजी आपकी आ रही है उसमें कैसे रिस्किल अप स्किलिंग है अपस्किलिंग uh, का मतलब अभी आपके पास जो स्किल है उससे बढ़ाना या दोबारा से नई स्किल देना तो इस पर रिस्किलिंग अप स्किलिंग पर भी फोकस करना मार्केट की डिमांड है वो आपकी मीट uh, हो सके फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लिक्विडिटी इंसेंटिव इन एरियाज पे फोकस करना तो साउथ एशिया के अंदर जो टेक्सटाइल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए इन इन स्टेप्स को फोकस करना जरूरी है इंडिया के कंटेक्ट में भी इस पॉइंट को आप ध्यान में रख सकते हो इकोनॉमी पे डायरेक्ट प्रश्न इसमें फ्रेम हो सकता है अगर आप सेशन लाइव देख रहे हो तो लाइक बटन आप जरूर से प्रेस कर सकते हो आज देखो एक ध्यान में रखना है स्पेशल क्लास है स्पेशल क्लास इस पूरे वीक की है जिसमें अभी दो तो आपके मॉक टेस्ट होंगे करंट अफेयर्स का ठीक है पूरा मैं आपसे शेयर कर दूंगा आज चार बजे क्लास है ये सब क्लासेस फ्री हैं फोर पीएम को आपकी जो क्लास है वो क्लास आपकी होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स जो न्यूज़ में है। ये सब प्रिलिम्स 2022 के लिए है उसका जोग्राफी ऑफ नेशनल पार्क वो टॉपिक आपका चल रहा है और इम्पॉर्टेंट इंडेक्स के टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट जो रिपोर्ट इंडिसेस हैं ये तो ये पूरे वीक के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे ठीक है ये क्वेश्चन है मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था तो आप इसको देख लो आप आंसर कमेंट सेक्शन में देख सकते हो और इसका आंसर है तो आप इसका स्क्रीन ले सकते हो और देख लेना डिटेल्ड में है इसका जो पी है फाइवीएम सीरीज़ का वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा फिल्मस का जो करंट अफेयर्स है उसके पी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ तो उसको आप डायरेक्टली रीड अपना कर सकते हो सो आज के लिए इतना ही इसका पी पूरे सेशन का भी आई विल शेयर प्रॉपर आप जो है डाउनलोड uh, कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ से आपको मिल जाएगा पी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो प्रॉपर पी आपको मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा आई रिक्वेस्ट यू ऑल की लाइक करें शेयर करें अन से जुड़ने के लिए यू कैन यूज़ द कोड दैट इज़ एस पी एल आई वी थैंक यू एवरी थैंक यू